कि चले जुम्मा अदा करेंगे एंड सबसे नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं। 1000 रुपये भी चाहिए, वो कैसे अरेंज होगा? संभालो 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 संभालो, इतनी वो है मदीना, फिर बाटला क्यों ले लिया? अरे अल्लाह, ना देंगे ना तेरे को मच्छी। तो फिर इनको जाना ही पड़ा कि ये बोले नहीं नहीं जाके लाए ना यार, बच्चे तो बच्चे, सुभान अल्लाह। तुम किसको देने का? नींद में ही थे, मैं इसके लिए नहीं भेजी यार, क्योंकि इतना मैं तो आने देते, अल्लाह कैसे उठा के लाए, पता इतने दिन से हम लोग परेशान। मम्मी नो आ जा भाजी कढ़ाई में, तो उसने मेरी हेल्प की और झाड़ू से लेके, मतलब मैं एक तरफ खुश हो रही थी, 8 रुपये में मेरी बाइक बन गई, बट फिर 1000 रुपये यहाँ पे गए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? चले आज ब्लॉग जो स्टार्ट कर रही हूँ ना मैं 9:45 बजे, और आज कौन सा दिन है पता है आप लोगों को? थर्सडे। और ब्लॉग मैं थर्सडे के दिन रात में स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब आज डबल ब्लॉग शूट कर रही हूँ, पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सब्सक्राइबर आए हैं भाई मेरे से मिलने के लिए आंटी से मिलने के लिए आया है, मेरा घर ढूंढते ढूंढते आके भैया भाईजन ने आपके बाहर खड़े थे, तो ये आके पूछता है कि बोले क्या पूछा वैसे, मुझे पता नहीं, आज ब्लॉग बनाते हो ना, बोले कहाँ पे रहते हो? 7 नंबर में रहते हैं। मम्मी को बोल के, मम्मी को बोलकर आया कि आंटी के घर पे जा रहा हूँ मैं, आंटी को ढूंढते हुए जा रहा हूँ, घर नहीं मिलता तो फिर ढूंढते देखो इतने बड़े बड़े सब्सक्राइबर मिलने आते हैं, मदीनों के छोटे छोटे सब्सक्राइबर, बच्चे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उसको पूछी सबसे फेवरेट कौन है, माही, आपके अंकल, ना नुमेर भाई, तो बड़ा डिप्लोमैटिक आंसर मुझे उसने दिया है, बोलता है कि चारों भी पसंद है। हाँ सबसे फेवरेट कौन है? ओ मदीना आंटी, हाँ स्वीट बच्चा है। चले मिला देती हूँ, जो लोग आते हैं कैमरे पे पूछ लेती हूँ उन लोग को लेती हूँ, जो नहीं आते नहीं लेती हूँ, बट अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से मिलाने के लिए, अगर कोई आता है तो मुझे अच्छा लगता है कि यार उनको भी अच्छा लगता है कि चलो इतना दूर से आए तो यार मिलाना बनता है ना। तो चले ये ब्लॉग को हम रखेंगे कंटिन्यू, वो कल स्टार्ट करेंगे और हमारी मीनू देखेंगे। बोल मेरे को भी आने। अच्छा। वो तो रोज आती है, वो नहीं आएगी ना जिस दिन ब्लॉग में, तो फिर आपकी बातें ना मुझे बहुत सुननी पड़ेगी, और मैं नहीं सुनूंगी बस, बहुत बहुत सुन ली मैंने मीनू के, मीनू ने बहुत बातें सुनाई है मुझे, तो अभी मीनू को ना भी कहते ना हमारी क्या बोलते हैं उसको चैनल की रौनक है, रौनक। चले फिर कल मिलेंगे, बाय, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, गुड नाइट। चले हम लोग का बिस्तर लग गया है और मेरा वो है, मैं वहाँ सोऊंगी, माई मेरे बाजू में सोएगी हम लोग दोनों माँ बेटी इधर सोते हैं, और वो देखो बाप बेटे ऊपर सो गए, अंधेरा भी कर दे रहे हो, नुमेर माही दोनों सो गए और हम लोग बाकी है ना। अच्छा जो खाना बच गया उसको फ्रिज में रख रही हूँ, भाजी बच गई, इसमें रोटियाँ हैं, दूध है, चावल दाल, अभी सब फ्रिज में रख रही हूँ, ये सब हम लोग कल खाएंगे। तो कल जो है ना मेरी रोटी बनाने की छुट्टी है, क्योंकि आज रोटी ज़्यादा खाया नहीं इन लोगों ने। माई को फोड़ी आ गई है, हाँ आ गई आ गई आ गई, माई को ही क्यों आती है। चले गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सो गुड मॉर्निंग हो गई, ट्यूशन का टाइम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज माही ने क्या बैग ली देखी आप लोगों ने, इसका ना थैली फट गई, मेरे पीछे वाले स्कूल में पूरा बैग फाड़ दे, थैली उसकी फाड़ दिए, अब मेरे पीछे पड़ी थैली, दो थैली दो, तो मैंने निकाल के सुनार की मैंने निकाल के सुनार की थैली दे दी, संभाल के रखते रहो हम लोग, सुनारों की थैली काम में आती है, तो मेरी मैडम माही ने जो है ना अपना बैग बना ली, अरे बैग बना रही तो अच्छे से आ गए ना वो, अरे वो थैली थी ना तुझे पहले मैं दिलाती थी ना रेड कलर की, वो सब वो जाऊंगी ना मार्केट से मैं तेरे लिए लेके आऊंगी, और शिफ्टिंग के टाइम पे सब घूम गई थैलियाँ इधर की उधर, ये चाहिए क्या, ये अच्छी थैली है, ये कहीं जाने आने के लिए कुछ डाल के लेके जाने, हाँ 2 दिन में फट के आ जाएगी, हाँ चलो। कौन सा पेपर है आज? आज हिंदी है, अल्लाह मेरे बच्चों जाओ आराम से, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। पापा पापा उठ के चाय पी रहे, जाओगे ना? चलो अल्लाह हाफिज़। बड़ा पकड़ने के लिए अच्छा लग रहा है ना, कंफर्टेबल, देखूंगी ट्यूशन के लिए तो ऐसी थैली में अच्छी वाली दिलाऊंगी जो ना फटे, हाँ ऐसी वाली दिलाऊंगी ट्यूशन के लिए जो ना फटे, ठीक है चलो बाय, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो।
अनु मैं ट्यूशन से आया और लंबा हो गया, सो गया। क्यों रुकी? पापा ने बोले रुकने, रुक बोले पापा जा मत, मैं आ रहा हूँ। चल अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? गिरे। कौन गिरे? पापा। हाँ अल्लाह, देखो नींद में से उठे, मैं बोली भी रहन दो, माही जा रही है। अरे यार इतने बड़े बड़े उठे, तुमको देखने नहीं होता है क्या? फिर जो यार तुम भी आ रहा चुपे जा, अभी तू अकेले जा माही, जाने दो उसको, चली जाएगी। अरे अल्लाह तो कैसे उधर थे, अल्लाह मैं क्या बोलू आदमी को। क्या फज्जू लगा, क्या पैर पे लगा? बोलेंगे नहीं अभी कुछ भी, देख जा प्रयास गिरे। रुक जाना, रुक जाना, रुक आ रहे ना, देंगे ना तेरे को मच्छी, रुक जा अभी तो उठे। वो ये वाला ड्रेस निकाल के रखी तो ये पहनी नहीं, बोलती कल पहनूंगी, और वो वाला पहन के गई है, कल पहने की बोलती है। इसका यूनिफॉर्म धोकर डाली हो मैडम का। अनु मेर देखो, ये जला गया, सो गया, मेरे को बिस्तर उठाना है। छोड़े दर्द है पैर में, लगा क्या? नहीं ये पांव किस, ये पत्थर उखड़ गया, उससे ऐसा सी संभाला करो यार। वो यहाँ मीठी नहीं, नहीं बहुत बारीक है, कितनी वो है, पत्ते ही नहीं दिख रहे हैं। 50 रुपए। ये एक 50 रुपए की है? 40 रुपए। हाँ बोले 50 रुपए। कितनी महंगी भाजी हो गई है, एक ले लेते हैं, दाल पालक बना लेते हैं। क्या करूँ, दुनिया की महंगी हो गई है भाजी, बताओ ये कितने पत्ते हैं, क्या पत्ते इसके पूरे सड़े सड़े। चलो बिस्तर उड़ गया हमारा, खाली इसको मोड़ती हूँ मैं और एक चादर डाल देती हूँ। मीनू को सका रही, देखे देखे बस। अरे किसको देने का माई, मीनू किसको देने का? मीनू एक और एक मच्छी बिल्ली आ गई, अब किसको देने का? उसको दो ना, उसको दो ना, उसको दो ना, देखो ना क्या करेगी। मीनू चिल्ला रही उसको, मीनू क्या करने का, वो भी आई, नहीं देने का। अरे क्या मम्मा, क्या मम्मा, क्या मम्मा, अरे वो भी आई, देखो भी आई। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। देन चले जुम्मा व्लॉग स्टार्ट करते, जुम्मा व्लॉग। सो व्लॉग को मतलब कल रात से स्टार्ट था, आप लोगों को पता है ना, कल रात से मतलब वो छोटा सा बच्चा आया था ना मिलने के लिए, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। तो मैंने उसको पूछी व्लॉग, एक्चुअली बच्चे जो होते हैं ना वो मतलब व्लॉग के ज़रिए में ना आते हैं कि हम लोग को लेंगे आंटी, तो बच्चे लोग को लेना बनता है यार। तो बस उधर से स्टार्ट की थी, तो अभी आज जुमा है, तो आप सबको एडवांस में जुमा मुबारक। वैसे तो व्लॉग मिले तक ही जुमा ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। मीनू ने जो है ना वो बिल्ली को मार के भगा दी। मीनू किसी को नहीं रहती, मीनू किसी को नहीं रखती है। मीनू का ऐसा है ना कि बस मेरे को चाहिए तो मेरे को चाहिए, मैं किसी को नहीं रखूँगी। चले आपके फैयाज भाई जान, कुछ चाय के बर्तन थे वो धो लिए, गिरे थे बट ठीक है, ओके है बज्जू। हाँ बज्जू, सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? खरीद हो गया, बढ़िया हो गया, मज़े में होंगे। और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज़्यादा आपकी बाजी को लगे। और आज सभी को जुम्मा मुबारक हो, जुम्मा मुबारक हो। एक्चुअली वो अभी गाड़ी में निकल जाएंगे जल्दी, तो उसके लिए रुकेंगे नहीं।
अच्छा गिरे थे तो लगा नहीं, अल्लाह का शुक्र है लगा नहीं, पैर मुड़ गया था, उठा था ना तो नीचे पाइप था ना तो पैर मुड़ गया, नींद में ही थे। मैं इसके लिए नहीं भेज रही थी, आपने देखे मैं इनको बोल भी रही थी मत जाओ माई चली जाएगी अकेले, बैग नहीं है एक थैली है, थैली लेके चली जाएगी। फिर भी इनको था ना कि नहीं मैं छोड़ता हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, और नींद में जाके कड़क पाव जब तक खाएंगे नहीं ना तो एनर्जी नहीं आती, अभी कड़क पाव खाए ना तो एनर्जी आई है, इसलिए मैं इनको बोलती तुम सबसे पहले ना सारा काम छोड़ो, पहले तुम ना कड़क पाव और चाय खा लो। वो बोलते ना इनका वो है, वो एनर्जी, एनर्जी का वो है क्या बोलते उसको, फैस एनर्जी ड्रिंक, तो वो खाते तो ताकत आती है, बिना खाए जाके सोते लंबे, ऐसी है इनका। कुछ नहीं बच, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं लगा, बच गए। चले पानी वानी भर रहे, पीने का पानी, पानी का काम चालू है। और मैं जा रही हूँ अभी, नाश्ता तो कुछ बनाना नहीं है आज, क्योंकि कल की इतनी सारी रोटियाँ बच गई है, कल की भाजी बच गई है, तो अभी मैं वही भाजी और रोटी गर्म करूँगी, मैं खाऊँगी और नुमैर आपके फैयाज भाईजान भी, वह खा के गाड़ी पर निकलेंगे। गैस सिलेंडर लाने जा रहे हैं, बाइक लेके जा रहे हैं ना, चल के कैसे जाएंगे तुम, उठा के लाएंगे, उठा के यहाँ रखो, हम लोग सिलेंडर पीछे रखते हैं ना। बाइक भी ख़राब हो गई है, क्या मालूम फिर, बाइक को तो बना बना के थक चुके हम लोग। हाँ भंगार में बेच डालो, अब बोल रहे हाथ से उठा के लेके जाओ, हाथ में ऐसे लगा हुआ है। नुमेर को रुको ना, नुमेर को आने देते, अल्लाह कैसा उठा के लाएंगे यार। गए उठा के बाटला लेके, अभी क्या करेंगे, लेके जाना पड़ेगा। बाइक भी ख़राब है ना, बाइक क्या मालूम कितना बना रहे हम लोग बाइक, आप लोगों ने देखे ना अभी 12 रबीउल के दिन भी बाइक ख़राब हो गई, फिर बाइक बनाया, अभी फिर बाइक ख़राब हो गई है। कैसे उठा के लेके गए, अब भरे हुआ उठा के लेके आएंगे, उनके ना हाथ में लगा हुआ है ना, मतलब ज़्यादा वजन चीज़ें उठा लेते ना तो फिर दर्द पकड़ लेता है। क्या हो गया इसको, क्या हो गया, खाई अभी मच्छी, पता नहीं क्या हो गया उसको, अब लेके जाना पड़ा, अभी क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है, बोल के लेके गए। नुमेर जिम चला गया ना, तो नुमेर के साथ, अब नुमेर जब तक आएगा ना तब तक वो बोल रहा है ना 15 ही बाटले, अब नुमेर आएगा, नुमेर का वेट करेंगे ना, वो 15 बाटले भी गायब हो जाएंगे, फिर हम लोग को नहीं मिलेगा। मैंने ना 11 तारीख को बुकिंग कराई थी बाटले का, और आज कितनी तारीख है देखो, 19 तारीख नहीं 20 है आज, 20 मतलब 11 को बुकिंग कराई और आज 20 है ना, तो भी बाटला मेरे घर तक नहीं आया देखो, मतलब इतने दिन से हम लोग परेशान हो गए फ़ोन कर करके कर करके, आखिर में जाके लेके आना पड़ा। ला ये देखो कहाँ गई है मीनू, अरे फंस जाएगी, प्रयास भी नहीं है, देखो कैसे सता रही मेरे को मीनू, चूहे में तो नहीं है हमारे घर में, बिल्कुल भी चूहे नहीं है। अजमा 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 मीनू आ जा, आओ आओ आओ, देखो लेके आए, रुको रुको, संभालो 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 संभालो, फज्जू ऐसा नहीं होगा, अल्लाह मेरा अल्लाह, बिस्मिल्लाह, आ जाओ बिस्मिल्लाह, हालत बुरी हो गई, आ गया अल्लाह का शुक्र है। बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ, जिसका काम उसी को साजे, ये सब हमारा काम नहीं है, उन लोग का काम है, लोग का हैबिट है, लोग का एक्सपीरियंस है। चिट्ठी हमारी आई क्या, चिट्ठी नहीं आई बोलता अभी तक, चिट्ठी दिए नहीं दिया ना, तो आई नीचे उड़ी मार के, पूरे बर्तन ही गिराए मेरे किचन पे, इधर देख मीना, ज़्यादा हो गए ना तेरे ऊपर, क्यों चढ़ी थी, चूहे वगैरह तुझे मिलने वाले नहीं। मीनू को चाहिए चूहे, मच्छी खा खा के मीनू थक गई है, इसलिए अभी वो ना अपना एक होता ना उसका लंच है, उसका डिनर जो भी है, उसका खाने का जो है ना मील, वो चेंज करना चाहती है, तो उसको चाहिए चूहे, जो कि उसको मिल रहे नहीं तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चले अभी आपके फैयाज भाईजान बोले मैं जा रहा हूँ, गाड़ी धो रहा हूँ, रिक्शा धोता हूँ, वैसे तो थक गए थे, थोड़ा से रिलैक्स हुए, उसके बाद में चाय पिए और गए हैं रिक्शा धोने के लिए। मैं आ गई थी यहाँ पे अपना गैस को पोछा पाछी करने के लिए, गैस को मतलब मैं दिन में ना, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं सुबह गैस पोछती हूँ या दोपहर में या शाम में, मेरा ऐसा है ना कि दिन भर में मुझे जब भी टाइम मिलता है या सुबह में या दोपहर में या रात में, मैं तभी भी गैस पोछ लेती हूँ। तो अभी क्या ना, नाश्ता मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि कल का नाश्ता मतलब मैंने बोला ना रोटी और भाजी जो है रखी हुई है, तो मैंने बोला आज
नाश्ता नहीं बनाना है तो आज मैं सुबह ही ये काम करके हटा लेती हूँ, फारिक हो जाती हूँ। तो चले गैस जो है ना वो पूछ रही थी, गैस 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 का चूल्हा। तो यहाँ पे आपके फैयाज भाई ने जो बाकड़ा लेकर आके मुझे दिए थे ना, याद है आप लोग को वो रूम में, तो ये बहुत मतलब मेरे को बहुत यूज़ में आ गया। आप लोग देख रहे हैं इतना कंफर्टेबल हो गया है एंड इसको धोना भी बहुत आसान हो गया, मतलब मुझे उसको ना ज़्यादा घसना नहीं पड़ता है। मतलब वो जो बाकड़ा है ना वो नीचे जो रखा हुआ है एकदम प्लाई है, वो एकदम प्लेन प्लाई है, तो बहुत अच्छा हो गया है। वो पूछ लो फटाफट से, गैस भी अच्छे से पूछा जा रहा है। मैं पानी जो है ना मैंने टब में ले लिया और फिर मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये देखिए ये कल की भाजी है कढ़ाई में, रोटी है वो कपड़े में बांधी हुई, और मैं मेरा किचन हो गया सेट, सब पोछा पाछी करके हो गया रेडी। देखिए मस्त एकदम से और अच्छा हो गया है। मतलब ऐसा नहीं किया, मतलब मैं जब मैं रूम में आ रही थी ना तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि कैसा होगा कैसा होगा, बट होता है ना यार जाने के बाद में एक एक चीज़ अपने आप ही सेट हो जाती है। चलो हाथों हाथ मैंने ज़मीन भी पूछ लिया कि चलो ज़मीन भी पूछ लेते। बाहर आके थोड़ा सा ओटे पे भी मतलब पोछने लगी थी तो माही आ गई मम्मा से, मेरे से झाड़ू ले ली, बोले मम्मा रुको मैं नीचे का मैं धो लेती हूँ। तो माही तो आपको पता है ना, माही तो माही है, तो उसने मेरी हेल्प की और झाड़ू से लेके बाहर का उठा जो है ना अच्छे से। अच्छा माही का कैसा है ना पता, मूड में आएगा ना पूरे घर का काम ऐसा, मम्मा लाओ ये कर दूँ, मम्मा लाओ वो कर दूँ। एक्चुअली में क्या होता है ना यार, बच्चे बहुत थक जाते हैं, स्कूल ट्यूशन अरबी ये डांस में जाती है, तो ये सारा कुछ है ना इसकी जो रूटीन है ना तो इसमें बहुत थक जाती है मैडम, तो इसीलिए ना फिर मैं सोचती हूँ रहने दो। चले यहाँ पे जो है ना मीनू अपने मच्छी के मजे ले रही थी, चूहा तो मिला नहीं ना, क्या करेंगे, हुकॉक रुक जो भी है मतलब मिल रहा है वो खा लो भैया। तो भाई मच्छी खा रही थी मैंने यहाँ पे, मैं बोली तू साइड में खा, और बाहर का ऊँटा भी मैंने सारा कुछ पोछ लिया है। तो यहाँ पे कहना ज़्यादा ओटे पे पानी डालूंगी तो कोने कोने में चले जाएगा, तो इसीलिए कपड़े से ही पोछ लेते हम लोग, और नीचे पानी जो है ना नीचे का ओटा धो लेते वहाँ पे। तो माही ने ज़्यादा अच्छा हेल्प कर दी, ये जो प्लास्टिक हम लोगों ने डाला हुआ है ना नीचे जो है ना गटर है ना, तो इसीलिए ना इसके ऊपर एक प्लास्टिक का जो ये आपके फैयाज भाईजान की जो गाड़ी पे वो कवर लगता है ना आप लोग को पता है, जो बारिश से बचने का कवर है जो हम लोग ने ना वो रूम में गैलरी में लगाए हुए थे, तो वो निकाल के हम लोग ने यहाँ पे बिछा दिए कि गटर है ना नीचे तो मच्छर नहीं आए इसीलिए। चले यहाँ पे ये ओटा भी सूख गया, माही ने अच्छे से इसको बिछा दी एंड यहाँ पे आ गई मैं अपना नाश्ता जो है ना वो गर्म करने के लिए। तो कल की रोटियां एंड गोभी की भाजी, तो आपके भाईजान बोले कि ना मैं खाऊंगा नहीं, मैंने कड़क पाव खाया हूँ तो मुझे अभी वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो मुझे टिफ़िन बांध दो, मैं आधे घंटे के बाद में मेरी नमाज जाके आऊँगा, जुम्मा अदा करूँगा, उसके बाद में मैं खा लूँगा। चले टाटा बोलने के लिए आए रिक्शा लेके, तो मैडम जो है ना अंदर घुस गई, आपको तो पता है ना यार बच्चे तो बच्चे, सुभान अल्लाह। पप्पा को जाने के टाइम पे ना गुड बाय किसी देने के लिए बच्चों को बड़ी मज़ा आती है, और मेरी माई को तो हाँ हाँ ऑलवेज मज़ा ही आती है उसको। चले पप्पा बोल दिए टाटा बाय बाय एंड माही को स्कूल के लिए मैंने रेडी कर दिया है। आपको आवाज़ आ रही होगी कुछ वेल्डिंग वगैरह की तो उसको इग्नोर करना, बिकॉज सामने जो है ना घर बन रहा है तो आवाज़ों को थोड़ी सी इग्नोर कर लेना। चले माही को मैंने ऑल द बेस्ट बोल दिया, माही रवाना हो गई स्कूल के लिए, और नुमेर स्कूल मतलब माही को छोड़कर आ गया था, फिर वो तैयार हो गया और वो चला गया जुम्मा अदा करने के लिए, वो भी मस्जिद के लिए रवाना हो गया। चले फिर मैं आ गई कि चले जुम्मा अदा करेंगे एंड सबसे पहले नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले दुआओं में हमारे फ़लस्तीन के जो भाई बहन हैं ना सबसे पहले उनके हक़ में दुआ करेंगे कि अल्लाह उनकी हिफाजत करे, आमीन सुम आमीन। अच्छा यहाँ पे जो ना मैंने सर में आप लोग देख रहे हैं ना कि ये जो मैंने कैप बांधा हुआ है ना ये एक्चुअली ठंडी का कैप है, वो जो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए सर पे बांधा करती थी ना वो कैप वो मिल नहीं रहा है, वो शिफ्टिंग के टाइम पे इधर उधर हो गया, तो इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। बाहर तो जा रही हूँ बट याद नहीं आ रहा है, तो जैसे भी याद आएगा ना लेकर आऊँगी, बट जब से मैं आई हूँ ये घर में ना ये सर पे यही बांध बांध के नमाज़ पढ़ रही हूँ मैं, इंशाल्लाह जाऊँगी ना याद करके लेके आऊँगी। चले नमाज़ अदा हो गई और सबके लिए दुआ कर दिया मैंने, आपके हक़ में भी दुआ किया, मेरे फ़लस्तीन के मेरे भाई बहनों के लिए भी दुआ किया, सबके लिए दुआ किया। चले उसके बाद में मैं आ गई थी यहाँ पे, पालक को जो मैंने ना अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया और आधा हिस्सा जो है ना उठा के रख दिया, मैं बना रही थी पालक गोश्त, तो यहाँ पे सारे कुछ स्पाइसेस वगैरह ये ले लिया, सब कुछ मैंने निकाल लिया कि सुकून से सब निकालने के बाद में किचन पे आराम से बैठो, उसके बाद में सुकून से बनाओ, क्योंकि अभी छोटा सा घर है, ज़्यादा हम हाई मारी नहीं कर सकते, फिर घर में बहुत ज़्यादा पसारा हो जाता है आप लोग को पता है। अच्छा चले सिलेंडर के बारे में शेयर करती हूँ, सिलेंडर मैंने ले लिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांसफ़र करवाने वाले थे मदीना फिर बाटला क्यों ले लिया वापस से HP वाला, तो मुझे लेना पड़ा, क्या करूँगी यार मुझे लेना पड़ा बाटला, क्योंकि आपको पता है मैंने कल ही बताया था ना इतनी बड़ी अमाउंट बता रहे वो 4,500 रुपये एकदम से तो नहीं आने वाली ना, तो थोड़ा अरेंज करने के लिए टाइम लगेगा, तो मैंने बोला कि चले जब तक ये जो है ना ये बाटला मैं उठा लेती हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैं चावल मैं बनाने गई थी और मैंने देखा कि चावल यार ख़त्म पे है, मुझे याद भी नहीं है आपके भाईजन को बोलना, तो मैंने बोला कि चलो एक गिलास भी निकल गए ना तो हो जाएगा, कल मैं मंगवा लूँगी चावल, तो यहाँ पे मैंने देखा कि ना हाँ चलो एक गिलास मेरा चावल निकल गया और आधा गिलास और एक्स्ट्रा पड़े हुए थे,
तो मैंने बोला चले बघारे पे चावल चढ़ा रही थी क्योंकि माही को बहुत पसंद है येलो चावल। मैंने बोला चले पहला गोश्त बना रही हूँ तो बघारे ले चावल भी बना लेती हूँ। एक्चुअली सुबह में क्या हुआ ना, आपके भाईजान को वो सिलेंडर वाले ने कॉल किया कि ना 15 बाटले आए हैं, क्योंकि हम लोग डेली फ़ोन कर रहे थे ना उसको बाटले के लिए। तो फिर उसने कॉल करके बोला कि देखो भाई 15 बाटले आए हैं, अगर आपको बाटला चाहिए ना तो आप आके लेके जाओ, क्योंकि अगर मैं आपके घर पर पहुँचाने लगा तो रास्ते में कोई ना कोई पकड़ लेगा मुझे, और सिर्फ 15 बाटले ही है। तो इसके लिए आपके फैयाज भाईजान बोले कि ना मैं जाके लेके आ जाता हूँ, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी अमाउंट है अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला ना आप लोग को, तो मैंने बोला कि चले ये एक महीना 10 दिन जो है ना खींच लेते, तब तक अगर अरेंज हो गया ना तो फिर हम लोग करवा लेंगे ट्रांसफर। क्योंकि ट्रांसफर तो मेरा तो ऐसा माइंड सेट हो गया कि ना मुझे कराना ही है यार, क्योंकि इतना मैं आपके भाईजान जो उठा के लेके गए ना मैं ये नहीं देख सकती। और एक तो गाड़ी ने भी एंड टाइम पे धोखा दे दी, जो बाइक है ना उसने भी एंड टाइम पे धोखा दे दी, खराब हो गई और फिर इनको जाना ही पड़ा कि ये बोले नहीं नहीं जाके लेके आता हूँ, क्योंकि एकदम से अगर बाटला चला गया तो फिर अभी 4,500 रुपये भी चाहिए, वो कैसे अरेंज होगा ये वो करके। इन्होंने बोला कि जाने तो छोड़ो, ये एक महीना 10 दिन निकालो, उसके बीच में अगर हो गया ना तो फिर कर लेंगे। चले देखिए बात करते करते मेरा पालक गोश्त भी तैयार हो गया। चले व्लॉग को बस एंड करेंगे, खाना बन गया मेरा, ये देखिए बस इसको दम पे रखी हूँ, 5 मिनट में हो जाएगा। चावल भी चढ़ा दिया, गैस भी सब साफ करके सब अपने अपनी जगह सेट कर दिया। और नुमेर गया है, बोली ना आप लोगों को नुमेर गया है बाइक बनाने, तो चले बाइक का जो है ना वो वायर है ना वो टूट गया था, तो अभी कॉल करा मम्मी 60 रुपया भेजो, वायर टूट गया था। मैं बोली 60 रुपये में काम हो गया, मैं बोली अल्लाह का शुक्र है चलो 60 रुपये में काम हो गया, खुश हो गई। उसके फ़ौरन बाद आपके फैयाज भाईजान का कॉल आया, बोली क्या हुआ क्या कर रहे हैं, मैं बोली खाना बन गया अभी, बोले हाँ। फिर मैं बोली क्या हुआ कुछ हुआ क्या, तो बोले अरे बोले गैस का बाटला जो है ना पासिंग की डेट ख़त्म हो गई थी। बोले अच्छा, तो मेरी फिर तो मेरे क्या कुछ नहीं, अभी 1,000 रुपया देखे गैस का बाटला पासिंग कराया, क्योंकि गैस भरने गया बाटले में, रिक्शे में गैस भरने गए तो वहाँ पे पेट्रोल पंप वाला बोल दिया कि गैस हम लोग दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा जो पासिंग है वो आउट हो गया है, एक्सपायर हो गया है। तो ये बोले अरे मतलब देखे ही नहीं थे उन्होंने, तो फिर बोले चल भाई पासिंग करवाऊँ, क्योंकि जो काम है करना है वो तो बहुत ज़रूरी है भैया, वो रुक नहीं सकता है। फिर वो 1,000 रुपये का करा है, 1,000 रुपये देखे गाड़ी पासिंग का बाटला पासिंग करवा लिए। तो मतलब मैं एक तरफ खुश हो रही थी यार 60 रुपये में मेरी बाइक बन गई, बट फिर 1,000 रुपये यहाँ पे गया। तो मतलब ऐसा है ना यार कि हमारी लाइफ में ना, मतलब हमारी नहीं यार सभी की लाइफ में खर्चे जो है ना कम होने का नाम नहीं देते यार, खर्चे ना जो बढ़ते रहते। हम लोग सोचेंगे कुछ और कि यार हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, बट वो जो है ना होता ही नहीं है और दूसरा ही काम निकल के आ जाता है। मतलब हम लोग सोचते कुछ और होता कुछ और ही है। तो बस चले अभी कितने बज रहे पता है आप लोगों को, 4 बज रहे, खाना अभी रेडी हो गया है। नुमेर जो है ना मेरे को बोला बाइक बनाओ, मतलब बन गई है, तो मैंने बोली जाओ और वहाँ से माई को भी पिकअप कर ले क्योंकि उसकी स्कूल छूटने का टाइम हो गया। तो चले खाना भी गरम गरम बन गया, आ गए आ जाएंगे बच्चे गरम गरम खाना खा लेंगे। वैसे भी ना आज जो है ना वो सुबह में नाश्ता जो है ना कल का रोटी और भाजी खा के गए, और आपके फैयाज भाईजान भी वही लेके गए, आप लोगों ने देखे बाटले का, देखेंगे क्या करेंगे। बाकी चलिए ब्लॉग को एंड करूँगी, बहुत लंबा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग मेरे लंबे लंबे ब्लॉग्स जो है ना वो वॉच करते हो ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं बोलूँगी कि पूरे 100 out of 100 लोग देखते होंगे, बट जितने लोग भी देखते हैं ना तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग नहीं देखते यार देखने स्टार्ट किए थे, अच्छा लगेगा आप लोगों को मेरी लाइफ के साथ में जुड़ने के बाद में। सो चले फिर ब्लॉग को एंड रखेंगे, एंड करेंगे, कैसा लगा आज का ब्लॉग जरूर बताना, एंड पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह आप सबको, जितने लोग मुझे डेली देखते ना अल्लाह उन सबको खुश और आबाद रखना, अल्लाह उनको हमेशा अपने हिफ्ज़मान में रखना। जो लोग बहन लोग कहते हैं ना मुझे हमेशा औलाद के लिए दुआ करना, तो मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनको औलाद से नवाजे, उनके घर में खुशियाँ भेजे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, और बस सबके घर में खुशियाँ रहे। बस आपके हक में मैं हमेशा दुआ करती हूँ। बस चले सबको जाते जाते जुम्मा मुबारक, एंड अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मज़ेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।